हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फिनिटी ट्रिक्स में। और हम आज 10 ऐसी हिंदी वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो 2023 में रिलीज हुई है और जो क्राइम थ्रिलर या सस्पेंस से भरी हुई है। मैं आपको इन सभी सीरीज के बारे में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सी सीरीज को आप कहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सीरीज नंबर 10 पे आती है क्लास। ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। ये कहानी एक स्कूल पर बेस्ड है जहाँ 3 स्टूडेंट की कहानी को दिखाया गया है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो एक ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लिए हैं जहाँ सब हाई स्टैंडर्ड के स्टूडेंट रहते हैं और इन सब के बीच अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं उसी के बारे में सीरीज में दिखाया गया है। और इसके साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री भी है जो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग एक एक घंटे की है और IMDb ने इस सीरीज को 6.3 की रेटिंग दी है। अगली सीरीज नंबर 9 पे आती है जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर। ये सीरीज एक एक्शन क्राइम सीरीज है जिसे आप सोनी लिव ऐप पे देख सकते हैं। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में बेस्ड है जहां पे एक नक्सल लीडर को जेल में कैद किया गया है और उसके गैंग वाले उसे छुड़ाना चाहते हैं और इसी के लिए पूरे जहानाबाद में काफी हलचल मची है। और उसी के बीच में एक लव स्टोरी दिखाई गई है यहाँ पे जिसमें एक लड़की को अपने प्रोफेसर से प्यार हो जाता है। अब ये दोनों कहानी आपस में कैसे मैच खाते हैं यही आपको इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं जिसमें हर एक एपिसोड लगभग 50 से 1 घंटे के बीच की है और IMDb ने इस सीरीज को 7.1 की रेटिंग दी है। अगली सीरीज नंबर 8 पे आती है शिकारपुर। ये एक मिस्ट्रिकल वेब सीरीज है जिसे आप Zee5 पे देख सकते हैं और इस सीरीज की कहानी शिकारपुर में बेस्ड है जहाँ पे एक छोटा मोटा डिटेक्टिव है जो शिकारपुर में हुए कई सारे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है और उसी के दौरान उसे पता चलता है कि इस मर्डर मिस्ट्री के साथ कुछ भूतिया चीजें भी जुड़ी हुई हैं। अब वो चीजें सच है या गलत ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सीरीज का टोटल एक सीजन आया है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग आधे आधे घंटे की है और IMDb ने इस सीरीज को 7.4 की रेटिंग दी है। अगली सीरीज नंबर 7 पे आती है स्टोरी ऑफ थिंग्स। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे आप सोनी लिव ऐप पे देख सकते हैं। एंथोलॉजिकल सीरीज है यानी कि इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको अलग कहानी देखने को मिलेगी और इस सीरीज में इंसान के नॉन लिविंग थिंग के साथ जो अटैचमेंट है उसके बारे में दिखाया गया है। जैसे कोई इंसान अपने फोन से अटैच होता है, कोई अपनी गाड़ी से अटैच होता है और कोई अलग अलग चीजों से अटैच होता है और उसे वो चीज ना मिलने पर वो कैसे पागलों की तरह हरकतें करता है उस चीज को इस स्टोरी में दिखाया गया है। सीरीज काफी यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो इस सीरीज को सबको जरूर देखना चाहिए और इसमें टोटल 5 एपिसोड्स हैं जिसमें हर एक एपिसोड 50 से 55 मिनट के बीच की है और IMDb ने इस सीरीज को 7.3 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 6 पे आती है आर या पार। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे आप Disney+ Hotstar पे देख सकते हैं। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है एक जंगल में जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और जिनका बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है जिसे पता चलता है कि इस कबीले के नीचे कुछ रेयर मिनरल्स है जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस मिलेगी और इसीलिए वो लोग इस मिनरल को पाना चाहते हैं। अगर आपने अवतार मूवी देखी है तो इस सीरीज की कहानी भी हल्की फुल्की वैसे ही है और इस सीरीज में कमाल का एक्शन है। और फिलहाल तो इस सीरीज का एक सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 35 से 40 मिनट के बीच की है और IMDb ने इस सीरीज को 7.6 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 5 पे आती है जानबाज हिंदुस्तान के। ये एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे आप Zee5 पे देख सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी IPS ऑफिसर काव्या से जो हिंदुस्तान में होने वाले एक टेररिस्ट अटैक को रोकना चाहती है और उसी के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसी के दौरान उसे कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल और इन्हीं चीज को इस स्टोरी में दिखाया गया है। और अगर आप पेट्रोटिज्म वाली सीरीज पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आने वाली है। और इस सीरीज का अब तक एक सीजन आया है जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिसमें हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट के बीच की है और IMDb ने इस सीरीज को 7.5 की रेटिंग दी है।
हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 4 पे आती है मैम मोनिका। ये एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे आप अमेजोन प्राइम वीडियोस पे देख सकते हैं। अगर आपने आयुष्मान खुराना की मूवी ड्रीम गर्ल देखी है तो ये सीरीज भी हल्की फुल्की वैसी ही है। बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसमें जो हीरो है वो एक बार डांसर में काम करता है, वो भी एक लड़की बनकर। और जब मोनिका मिसिंग हो जाती है तो उसके चाहने वाले जितने भी इंसान है उसे ढूंढने लगते हैं। अब अंत में क्या होता है, क्या उन लोगों को पता चलता है मोनिका के राज के बारे में, और क्या मोनिका मिल पाती है उन लोगों को, यही चीज आपको इस सीरीज में दिखाई गई है। और इसका एक सीजन आया है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट की बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 8.6 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 3 पे आती है ताजा खबर। ये एक फैंटेसी कॉमेडी सीरीज है जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। सीरीज के लीड रोल में हमको बीवी के बाइंस के भुवन बाम दिखने वाले हैं, जो बहुत गरीब रहते हैं, लेकिन एक दिन उनकी किस्मत ऐसी चमकती है कि उन्हें हर एक खबर वक्त से पहले मिल जाता है और इस चीज का वो काफी फायदा उठाते हैं। हालांकि बीवी की वाइंस की तरह ये सीरीज उतनी फनी तो नहीं है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। और ये सीरीज फिलहाल 2023 की इंडिया की मोस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट के बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 8.3 की रेटिंग दी है। हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 2 पे आती है ट्रायल बाय फायर। ये एक क्राइम मिस्ट्रिकल वेब सीरीज है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। ये कहानी एक पेरेंट से शुरू होती है जिनके बच्चे एक दिन सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं, लेकिन जब अचानक से आग लग जाती है सिनेमा हॉल में तो उन दोनों की मौत हो जाती है। और उनके माता पिता यही सोचते हैं कि वो आग एक्सीडेंट से लगी है या फिर किसी ने जानबूझ के वो आग को लगाया है। और इसी मिस्ट्री के ऊपर ये पूरी सीरीज बेस्ड है। सीरीज काफी इमोशनल है और काफी थ्रिलिंग भी है। और इसका एक सीजन आया है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट की बीच की है। और IMDb ने इस सीरीज को 8.1 की रेटिंग दी है। हमारी आखिरी सीरीज नंबर 1 पे आती है फर्जी। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसे आप अमेजोन प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। इस सीरीज में आपको कई सारे नामी नामी एक्टर्स देखने वाले हैं, जैसे शाहिद कपूर, के मेनन और विजय सेतुपति। सीरीज की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो बड़े बड़े आर्टिस्टों की पेंटिंग को कॉपी करके बेचता है और उसी से अपना गुजारा करता है, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण उसे गलत काम करने पे मजबूर होना पड़ता है और इसीलिए वो नकली नोट छापने का काम शुरू कर देता है। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और अगर आपने दी फैमिली मैन जैसी सीरीज को पसंद किया है तो ये सीरीज तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में फैमिली मैन से कुछ कुछ कैमियो भी है जो आपको सीरीज को देखने के बाद पता चल ही जाएगा। और इस सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1-1 घंटे की है। और IMDb ने इस सीरीज को 8.7 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 हिंदी वेब सीरीज जो 2023 में रिलीज हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है। अब चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।